हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग चैनल। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो अभी आज है संडे। संडे को मेरी बहनों का तो ऑफ है क्योंकि उनके कॉलेजेस ऑफ है, छुट्टी है। तो मैं तो अभी जा रही हूँ ऑफिस के लिए। आज मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया, मैंने सिर्फ पूजा की और तैयार हुई और आ गई। अब मैं आज कैंटीन में ही लंच करूंगी दिन का। सो अभी निकलते हैं ऑफिस के लिए क्योंकि लेट हो रहा है, 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, फाइनली अब मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूँ। ऑफिस पहुंचने के बाद सबसे पहले हमें अपनी लोकेशन सेंड करनी होती है। लोकेशन सेंड करने के बाद हमें लॉगिन करनी होती है अपनी आईडी। इसके अलावा आज मेरी दोस्त आइसक्रीम लेके आने वाली है। उसने मुझे यही बोला है कि तू आज, मैं आज सुबह सुबह आइसक्रीम लेके आऊंगी तो आज तू वो कर दे, क्या कहते हैं, टिफिन और चम्मच लेके आना। बट मैं आज लंच तो लाई नहीं हूँ, तो अब क्या करेंगे, लेट्स सी, देखते हैं। अब मैं कैंटीन वाले भैया के पास जाती हूँ कि भैया स्पून और वो दे दो, प्लेट दे दो आइसक्रीम खाने के लिए, फिर हम छत पे जाके आइसक्रीम खाएंगे। पहले आईडी लॉगिन करती हूँ। चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, पहले आईडी लॉगिन कर लेती हूँ फिर बात करती हूँ। सो गाइज, हम ऊपर आ चुके हैं। आईडी लॉगिन तो हो नहीं रही है। इधर देखो, मैम तैयार हो रही है अभी क्योंकि वो कह रही सुबह मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं करता। सेम मेरी तरह, क्योंकि मेरा भी बिल्कुल सुबह उठने का 1% भी मन नहीं करता। ऐसा लगता थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। बट फिर हम यहीं आके अपने तैयार व्यार होते हैं, उसी के बाद चलते बनते। बट अभी आईडी लॉगिन नहीं हो रही, अब हम धूप सेकेंगे। ये अभी तैयार होगी, फिर उसके बाद हम नीचे चलते हैं, फिर हम धूप सेकते हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज, मेरी दूसरी वाली फ्रेंड भी आ चुकी है, वो उधर वाली तैयार हो रही है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। अब करिए, मेरी तो बेइज्जती मार रही है। बेइज्जती नहीं मार रहे, हम ये बता रहे हैं कि ये सज रही है मोहतरमा अभी। अब हम धूप सेकने जाने वाले हैं क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। चलिए चलते हैं। सो गाइज, अब फाइनली हमारी चाय आ चुकी है, अब हम चाय पी रहे हैं। ये क्योंकि आज हमारा टेक्निकल इश्यू हो रहा है तो वो तो चल नहीं रहा है कुछ भी, आज हमारे सिस्टम का काम तो हो नहीं रहा है। तो चाय पीते हैं, फिर या धूप में चलते हैं, फिर धूप सेकते हैं, या तो फिर चाय का गिलास लेके ही धूप पे चलते हैं। चलिए चलते हैं। कि ऑफिस में हम लोग अभी सुबह सुबह क्या खा रहे हैं पता, मेरी फ्रेंड हमारे लेकर आई है आइसक्रीम, पूरा डब्बा इधर रखा हुआ है और ये भी खा रही है। मैं दिखाती हूँ कैसे खा रही, रुको। इस प्राणी को देखो, इधर ये आइसक्रीम खा रही है, इधर ये रखा हुआ है और इधर डब्बा रखा हुआ है। डब्बा कहाँ चला गया, ये आइसक्रीम का डब्बा रखा हुआ है। ये अभी हम आइसक्रीम खाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइज, अब हमने आइसक्रीम खा दी है, बट अब जो बची हुई आइसक्रीम वो मेल्ट हो जाएगी दिन तक, वरना पिघल जाएगी। अब हम जा रहे कैंटीन में रिक्वेस्ट करने के लिए कि हमारी आइसक्रीम अपने फ्रिज में रख दो प्लीज। देखते हैं, लेट्स सी ऐसा होता है या नहीं होता है, देखते हैं। गाइज, अभी हमने आइसक्रीम खा दी है। अब आइसक्रीम खाने के बाद हम ऊपर को जाने वाले थे, बट इनको देखो, ये चाय पी रहे आइसक्रीम के ऊपर। बट ये वाली दोस्त जो है, ये तो आइसक्रीम नहीं खाती। मैं देख रही हूँ कि दुनिया में ऐसे लोग भी है जिन्हें आइसक्रीम नहीं पसंद, वो यही लोग हैं। बट इधर वाली को देखो, अभी आइसक्रीम खाया था, अभी फिर चाय पी रहे। चलिए चलते हैं ऊपर। गाइस, ये जो चश्मे मैंने पहने हुए हैं, ये मेरी दोस्त के हैं। ये इसने 2000 रुपए के बनाए हुए, जो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी पहन के देखूं ये 2000 के चश्मे कैसे दिखाते हैं। पर मेरा सर घूम रहा है यार इनसे, ना आदत नहीं है क्योंकि मेरी आईज ठीक है। आपको लग रहा है ये 2000 के चश्मे है, ये बोल रही है बार बार, कह रही बोलिए बोल कि आपको लग रहा है कह रही इसको दुकानदार ने लूट लिया है, वो पीछे उधर और मेरे चश्मे को पहन के। ये दूर का चश्मा है, लाल परी, ये है लाल परी पीछे, काली काली गाड़ी के पीछे लाल परी। सो अभी ये चश्मे से ना मुझे कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि ये दूर का चश्मा है, मुझे ना चक्कर जैसे आ रही से पहन के। तो आप बताना कैसा लग रहा है मुझ पे ये चश्मा। वैसे तो ये ऐसे करके भी हम पहन सकते हैं। वैसे कितने लोग यहाँ पे चश्मा पहनते हैं ना, ऐसे 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 भी देखते हैं कितने लोग ऐसे। जब तुमने ऐसे देखना है तो तुमने चश्मा पहना क्यों है, चश्मा प्रॉपर ऐसे पहनो, ऐसे। ये बोले 2000 के, ये जो 2000 के चश्मे लग रहे हैं आपको कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये पीछे वाली लाल परी को किसी ने लूट लिया है बहुत जोरदार तरीके से, और ये ढूंगे से उसका कपाल फोड़ने के लिए जा रही है। और आजकल ये सपने में भी ये देख रही कि मेरा 2000 का चश्मा टूट गया है, क्योंकि 2000 रुपए का चश्मा बना रखा ना उसने, इसीलिए तो वो लगी हुई है पीछे। ये वीडियो बना रही है, देखो पीछे इधर आप देख सकते हैं। आप वीडियो क्यों नहीं बना रही हो मैडम, रुक गई है वीडियो, लाल परी रुक गई है, अब इधर से चली गई है दूसरी परी, लाल परी वीडियो बना रही है, दूसरी परी रुक चुकी है। आप देख सकते हैं इसका चश्मा पहन के, यार मुझे चक्कर आ रहे, मैं उतारी दूसरे। ओहो, बहुत मतलब हजम नहीं होते हैं,
कह रही फोकट के चश्मे हजम नहीं होते। अरे फोकट का चश्मा नहीं है, इसको लूट लिया है। सच्ची बताओ, आप बताना 2000 का चश्मा लग रहा है नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे को तो लग रहा है भाई दुकान वाले ने बहुत अच्छे तरीके से। और आप लोगों को पता है आई टेस्ट जैसे है कि है फ्री में होता है हर जगह, और इसका आई टेस्ट करवाने के 500 रुपए लिए और 2000 का चश्मा, बहुत अच्छा चूना लगा दिया इसको। सो गाइस, हम लोग इधर घूमने में लगे हुए हैं और सारे लोग अंदर बैठे हुए हैं या ऊपर धूप सेक रहे हैं, बट हमें हमारे पैर एक जगह पे टिकते नहीं है। इधर इन लोगों का फोटो शूट चल रहा है। कहाँ चली गई लाल परी? वो उधर लाल परी है, कहाँ चली गई? वो दूसरी है, इधर है। ये कहती है, एक सेकेंड, ये कहती है इसको जिम जाना है। अगर इसको जिम जाना है तो मुझे कहाँ जाने, मुझे मुझे मुझे। अरे यार, ऐसे बेइज्जती कर देते ना ये लोग मेरी, बट कोई नहीं। हम इतना बोर हो चुके हैं घूम घूम के धूप से, क्या अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं? कभी सुने ऑफिस में एक्सरसाइज? हम करते हैं क्योंकि यूनिक लोग हैं, यूनिक इतने विले हैं। हम अभी एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं, क्योंकि आज सिस्टम का तो बहुत इश्यू हो रहा है, टेक्निकल इश्यू हो रहा है। अब मैं एक्सरसाइज करती हूँ। ये देखिए, ये है लाल परी, भैंस जैसी हो रखी है, कुछ काम करती नहीं है, बैठी रहती है। ये नाच रही है इधर, ये मोटी गेंडा। देखिए आप कोई एक्सरसाइज कर रही है, ऐसी कोई एक्सरसाइज होती है? मैं तो पहली बार देख रही हूँ ये एक्सरसाइज। मैंने अपनी जिंदगी में एक्सरसाइज की होती तो इतनी मोटी नहीं हो रही होती, बट मैं आजकल एक्सरसाइज कर रही हूँ। सो क्या पता मैं पतली हो जाऊँ, पहले मैंने सोचा कि मैं जिम जाऊंगी। अब बता दो इनको कमेंट करके पतली हुई है या नहीं हुई है, मुझे तो नहीं लगती कहीं से पतली भैंस जैसी हो रही है। खा खा जिम जाऊंगी, बट जिम जाके मैंने लगा वहाँ पे भी तो खुद ही एक्सरसाइज करनी, इसकी अच्छा खुद ही यहाँ पे करूँ। इस लड़की को देखो, अमरूद के पेड़ में लटक रही है, ये चाहती कि हम अमरूद ना खाएं, टहनी तोड़ने के उसमें पूरी लगी हुई है। ये देखो, ये लटक रही है तो पेड़ नहीं टूट रहा है, अगर हम लटकेंगे तो पूरी डाली पेड़ सबने नीचे आ जाने है। देखिए देखिए, अभी ये पांडा लटकने वाला है पेड़ से, तो आप देख सकते हैं इतना मोटा पांडा। अरे मैम टूट जाएगा, वो क्या कर रही है? अरे लटको लटको पांडा लटको। नहीं मैं नहीं लटकना चाह रही हूँ। अरे लटको, नहीं नहीं लटको, तुम लटको। नो, क्योंकि कहीं मैं सोचू कहीं टूट ना जाए, तो इसलिए मैं नहीं लटक। अरे लटक रही, पेड़ को मैं बक्स दूं। सही है, बेचारा पेड़ भी शुक्रिया अदा कर रहा होगा इनका, इन्होंने हमें बक्स दिया, नहीं तो पेड़ टूट जाएगा। वाओ, व्हाट अ जोक। गाइस आप देख सकते हो, ये है रुद्राक्ष, क्योंकि दूर से तो दिख नहीं रहे थे ना, नजदीक से दिखा रही हूँ मैं आपको। ये है रुद्राक्ष, ये आप देख सकते हैं, ये एक मुखी रुद्राक्ष है ये। अब जब ये पक जाएगा ना, फिर ये नीचे झड़ेंगे, फिर आप अपने मंदिर के लिए लेके जाएंगे। ये है रुद्राक्ष, ये है रुद्राक्ष का पेड़, आप देख सकते हैं। 11 बज चुके हैं, अभी तक हमारे टेक्निकल इश्यू सही नहीं हुआ है। इसके अलावा हम अभी इंस्टा रील बना रहे थे, हंस हंस की हालत खराब हो चुकी है। अगर आपको भी मेरी इंस्टा रील देखनी है तो आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, आई तनुजा भट्ट के नाम से। ये पीछे दो खड़ी हुई है, अभी भी रील देख रही है कि कौन सी रील बनानी है, बट इंस्टाग्राम बहुत नेट खाता है यार, सच में। पूरे एक रील बनाओ तो सारा ही नेट लेके चला जाता है, तो दिन भर में क्या चलाएंगे फिर हम। बट अब इसके बाद हम एक बार ऊपर देख के आते हैं यार, चल रहा है नहीं चल रहा है ये सिस्टम, उसके बाद हम नीचे आते हैं फिर से। तो गाइज अब हम चाय पीने के लिए जा रहे हैं उस दुकान पे, जहाँ पे हमें ऑलरेडी 3 बारी वो चाय पीने के लिए आने के लिए मना कर चुका है, क्योंकि वो एक बारी में चाय अच्छी नहीं बनाता यार, कभी उसमें चीनी डाल देता ज्यादा, कभी पत्ती नहीं होती है। तो अब वो हमें कहता है कि चाय पत्ती खुद से नहीं, चाय खुद से बनाना और पैसे भी रख के चले जाना। पर देखते हैं अगर चाय, वरना इससे अच्छी दुकान में ना चाय वैसे खुली भी नहीं रहती दुकानें चाय पीने के लिए। देखते हैं, लेट्स सी अगर हमें चाय मिली तो। इसके अलावा हमारा एक फेवरेट डॉगी है जो हमें आज से नहीं बहुत टाइम से जानता है, जैसे हम जाते तो वो वहां मिल जाता है, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। गाइस फाइनली हम ऑफिस पहुंच चुके हैं, और इस पीछे वाली लाल परी पे गलती से धूल उड़ गई थी, तो कहती पत्थर से सर फोड़ दूंगी अगर धूल उड़ी तो। मतलब तुम जैसी लाल परी पे कौन पत्थर, कौन धूल उड़ाना चाहेगा? ये कह रही मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। भगवान, सर फोड़वाने के लिए तो आ रखे हम यहाँ, कुछ काम ही नहीं है ऑफिस में, सर ही फोड़ो बस। अभी तक हमारा सिस्टम सही नहीं हुआ है तो हम नीचे ही बैठे हुए हैं। ये बच्ची रुद्राक्ष लेके आ रखी है पेड़ से इकट्ठे करके, तो आप देख सकते हो कितने सारे रुद्राक्ष इकट्ठे किए हुए हैं ये, और आधे बच्चे इधर हैं, ये इधर बैठे हुए हैं और इधर यहाँ से जा रही है। जाओ बाबा, आपके रुद्राक्ष देख लिए हमने, हमारे सब्सक्राइबर ने भी देख लिए। सो अभी तक हम ऐसी बोरिंग हो रहे हैं। 3 बज चुके हैं, हमने उसके बाद कैंटीन से भी बहुत कुछ खा लिया है, खाना तो हमने सुबह ही खा लिया था। अब हम सोच रहे हैं कि यहीं कहीं बिस्तर लगाएं और सो जाएं, सीधे छुट्टी के टाइम पे उठ के चलते बने घर को।
कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पढ़ाई कर रही है, बस ये अपने कॉपी किताबों पे लगी हुई है अभी, और ये यहाँ पे पढ़ाई कर रही है बस ये फोन, क्योंकि इनके जितने नोट्स है ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो सारे नोट्स इनके ऑनलाइन आ रहे हैं आजकल फोन में, तो उसी से लिखने में लगे हुए हैं, बस लिखो पढ़ो यही है इनके। इसके कॉलेजेस नहीं खुले हैं, उसके कॉलेजेस खुल चुके हैं, अब इसके भी खुलने ही वाले हैं जल्दी से जल्दी। उसका हाय हाय नहीं रुक रहा तब से, आप देख सकते हो लगी हुई है हाथ हिलाने में, हाय हाय हाय, अरे इतने बार हाय कौन करता है भाई। गाइस फाइनली आज ऑफिस से भी हमें जल्दी छुट्टी हो गई थी क्योंकि काम तो कुछ हो नहीं रहा था तो इसीलिए, और इसके अलावा मैं घर पहुंच गई हूँ, मेरी बहनों ने मेरे लिए कड़ी चावल और फ्राइड राइस बना के रखे हुए, अब मैं वो खाती हूँ। बस ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, ओके बाय बाय।